अभी का जो मौसम का स्थिति है, नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो खास चेंज नहीं है। जो राजस्थान तक बादल और थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रहा है वो आज भी जारी रहेगी, और जो कोर जोन है मॉनसून का, हीट वेव का, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ आज भी रेड अलर्ट रहेगा। रेड अलर्ट बिहार, झारखंड में, बिहार में आपका 2 दिन तक रहेगा, उसके बाद से हम ऑरेंज फिर येलो अलर्ट में जाएंगे, और झारखंड में 3 दिन तक रेड अलर्ट रहेगा, यानी 13, 14, 15 तारीख को, और यूपी को, उत्तर प्रदेश में 3 से 4 दिन तक रेड अलर्ट रहेगा, उसके बाद से ऑरेंज अलर्ट। बाकी जो हिस्से हैं नॉर्थ इंडिया के, यानी कि पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्य में, और गैंगटॉक वेस्ट बंगाल, हीट वेव का अलर्ट तो रहेगा, मगर जैसे गैंगटॉक वेस्ट बंगाल में सीवियरिटी भी रहेगा मगर कम रीजन में, कम इंटेंसिटी के साथ। इसीलिए हम ऑरेंज अलर्ट के साथ जाएंगे पंजाब, हरियाणा को 4 दिन तक, उसके बाद थोड़ा सा कम करेंगे, येलो अलर्ट में जाएंगे, और गैंगटॉक वेस्ट बंगाल भी 1 से 2 दिन तक ऑरेंज अलर्ट, उसके बाद से येलो अलर्ट। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत ईस्टर्ली जाने की संभावना है, एक पश्चिम विक्षोभ भी थोड़ा इफेक्ट करने का संभावना है, जिसके चलते हमारे उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति नॉर्थ इंडिया में शायद थोड़ा सा कम हो जाए, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट्स में जैसे यूपी वगैरह में, बाकी सभी राज्य में भी ऐसा ही स्थिति चलेगा।